गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे हमारी प्रिपेयर होती है। लेकिन सबसे पहले एक चीज बाकी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वो है नेट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। हमने लास्ट लेक्चर में नेट प्रॉफिट को पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चीज ऐड होती है और क्या चीज लेस होती है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे आता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। पहला है वो है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये कैसे फाइंड आउट होता है, इसका अमाउंट कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट दे दिया जाएगा, शेड्यूल थ्री वाला। शेड्यूल थ्री वाला बैलेंस शीट एकदम कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट की तरह होता है। ऊपर लायबिलिटी होती है, नीचे एसेट होता है। जैसे कि हम लोग लेफ्ट एंड राइट में लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी, राइट हैंड साइड में एसेट, ये ऐसे नहीं होता। पहले लायबिलिटी पूरी ऊपर साइड लिखी जाती है और नीचे साइड एसेट लिखे जाते हैं। शेड्यूल थ्री जो है वर्टिकल फॉर्म में होता है, ना कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हम लोग को शेड्यूल थ्री के बारे में पता है। कभी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको दिखा दूंगा कि शेड्यूल थ्री कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लें कि कैसे हमारा कैश फ्लो बनता है, ठीक है। ये हमारा कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आता है, इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। वो फॉर्मूला क्या था, एक नया पिना है। सबसे पहले बैलेंस शीट देखना है हमको। बैलेंस शीट हमको कौन से फॉर्म को मिलेगा, शेड्यूल थ्री की फॉर्म को मिलेगा। एक बार बता देते शेड्यूल थ्री कैसा होता है। ऊपर साइड लायबिलिटी और नीचे साइड असेट होता है। ऊपर और नीचे एसेट्स होते हैं। लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है। शेयर और फंड दो तरह होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल फर्दर दो तरीके का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस फर्दर चार तरीके का होता है, कैपिटल रिजर्व, दूसरा आता है जनरल रिजर्व, तीसरा आता है पीएल क्रेडिट या डेबिट, चौथा आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी आ जाती है। अब हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बिफोर टैक्स हमें देखना है कि कितना रिजर्व क्रिएट हुआ है, मतलब कि दो साल की बैलेंस शीट दी जाएगी, ठीक है। अब ये मान लेते हैं 10,000 रुपए का था, अब की तरह कितना हो गया, 15,000 हो गया, 15,000 हो गया कैपिटल रिजर्व। ये 12,000 था, ये 15,000 हो गया। ये 5,000 रुपए था और ये 10,000 रुपए हो गया। रिजर्व था 2,000 रुपए का, अब की 4,000 रुपए का रिजर्व हो गया। तो हमें दो डिफरेंट डेट की, मतलब ये 2018 मानेंगे,
2019 मान लेंगे, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट दिया है शेड्यूल थ्री के हिसाब से, शेड्यूल थ्री के हिसाब से बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है प्रॉफिट निकालने के से पहले हमें रिजर्व ऑफ फंड में जाना पड़ेगा। रिजर्व ऑफ फंड कहाँ दिया होगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व ऑफ सरप्लस दिया होगा। अब रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल क्रेडिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे सबका, ठीक। यहाँ पे 5,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 12,000-13,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 5,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मतलब ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो प्रॉफिट से ही तो आया होगा, जैसे कि हम कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो हमने बनाया होगा, पीएल अकाउंट बनाया होगा, जो बीएल प्रॉफिट यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट आया होगा और ये नेट प्रॉफिट में से ही ये रिजर्व क्रिएट होगा, कैसे ही रिजर्व क्रिएट कर देंगे, नहीं, नेट प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट होता है, इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट जो अब की साल हमने कराया है, ठीक है। तो हम लोग कैसे पीएल अकाउंट का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, अब देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, क्या बना, हम यही लिखते हैं, हम यहां पे लिखते हैं, ओके। डिफरेंस ऑफ ऐड करेंगे difference of general reserve, difference of capital reserve, difference of workman compensation reserve and difference of PL credit, ये balance sheet पे हमको मिलेगा reserve surplus में। उसके बाद add कर देंगे कि सारी चीजें क्या होंगी, add होंगी एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा, करेंट ईयर का ऐड कर देंगे जितना भी अमाउंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिविडेंड पेड, डिफरेंट डिविडेंड फिर आता है कौन सा, प्लस करेंगे डेंट पेड, जो भी डिविडेंड होता है उसको पेड किया जाता है, ठीक है। और ये भी क्या है, करंट ईयर कर लेंगे, करंट ईयर कर लेंगे, सॉरी। अब ये दोनों मिले कहां पर, ये दोनों फाइंड होगा हमें करंट लायबिलिटी में, वो देखना पड़ेगा। और रिजर्व सरप्लस को देखने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। ये सब को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स, तो हमारा क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट यहां पे लिखा जाएगा, जो भी अमाउंट होगा यहां पे आएगा, ये जो अमाउंट उठ करके अब हमारा यहाँ पे कहाँ पोस्टिंग होगी, यहाँ पे पोस्टिंग होगी। अब जैसे करते वैसे कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, ऐड करना होता है जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं। जैसे कि कौन से नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम होंगे,
डेप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, अब ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट था, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट था, तो प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड पेड, ठीक। इतना करने के बाद मतलब कहने का मतलब ऐड कर देंगे जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस या लॉसेस होगा, ठीक है, उसी का ऐड कर देंगे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे। जैसे कि यहां पे देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेस कितने क्या है हमारे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, फिर जैसे डील किसको कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज अ पार्ट नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन गया, तो ये एक्सपेंस था, इसके प्रॉफिट हमारा क्या होगा, कम हो गया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब इसको क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो एक्सपेंस है उसको दोबारा ऐड बैक करेंगे, उसके ऊपर माइनस कर देंगे जितने भी नॉन कैश इनकम, और लेस कर देंगे नॉन कैश ऑपरेटिंग, जितने भी नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितनी भी थी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, और जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसी की देखो प्रॉफिट क्या है हमारा, ये लेस कर देते हैं हम लोग, क्या चीज, ये देखो लेस है ना, ये देखो इसके बारे में बताया गया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये वाला आएगा, ये दोनों चीजें हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन जाएगी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो इस तरह हम लोग करते हैं। थैंक यू क्लास।